नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्लॉग्स टू मेक थिंक में। गुरुद्वारों के लंगर के विषय में तो आपने सुना ही होगा, वहाँ मिलने वाला कड़ा प्रसाद तथा चने अमृत के समान होते हैं। गुरुद्वारों की यही खासियत है, पर मैं आपको आज एक ऐसे गुरुद्वारे के विषय में बताने जा रही हूँ जिसमें एक अलग ही तरह का लंगर लगाया जाता है। इस लंगर का नाम है शिक्षा का लंगर। यही विशेष बात उस गुरुद्वारे की मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए सोचा आपसे शेयर करूं। दिल्ली के सिख गुरुद्वारा समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष एजुकेशन लंगर लगाया जा रहा है, जिसमें युवाओं को नए जमाने के रोजगार के विषय में जानकारी दी जाती है। इस विशेष लंगर में कई विश्वविद्यालय, बैंकों जैसे 100 प्रतिष्ठित संस्थान भाग लेते हैं और इस समिति द्वारा प्रतिवर्ष इस तरह का आयोजन किया जाता है। पिछले 7 सालों से सिख गुरुद्वारा समिति इस तरह के शिक्षा लंगर का आयोजन कर रही है। है ना यह एक अच्छी पहल, तो क्यों ना हमारे समाज भी इस तरह की पहल करे। और मैं तो कहती हूँ समाज के साथ कई सामाजिक संस्थाओं को भी इस तरह के कार्य के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि आज देश में युवाओं को करियर की जानकारी देने वालों की कमी है। कई गांवों एवं छोटे कस्बों में सरकार द्वारा स्कूलों का निर्माण करवाया गया है, परंतु उन स्कूलों में केवल शिक्षा दी जाती है। स्कूली शिक्षा के बाद क्या करना है, किस फील्ड में जाना है, उनके लिए क्या अच्छा होगा, यह बताने वाला कोई नहीं होता। आज के जमाने में केवल बीए, बीकॉम, बीएससी की स्नातक डिग्री तथा स्नातकोत्तर डिग्री के अलावा भी कई कोर्स कॉलेजों द्वारा चलाए जाते हैं, परंतु उन अन्य कोर्सों की जानकारी युवाओं को नहीं होती। गांव एवं छोटे कस्बों से लेकर शहर के कई युवाओं को भी नए रोजगार के विषय में जानकारी का अभाव देखा जाता है। पारिवारिक पृष्ठभूमि शिक्षित नहीं होने के कारण कई बार विद्यार्थियों को विषय चयन से लेकर रोजगार के साधन तलाशने में परेशानी होती है। शायद हम सभी कभी न कभी इस दुविधा से गुजरे ही हैं कि हमें किस विषय का चुनाव करना चाहिए, इस विषय को लेकर आगे चलकर कौन से कोर्स में एडमिशन लिया जाए और उससे किस तरह रोजगार की प्राप्ति होगी। आज के आधुनिक तकनीकी युग में रोजगार के कई साधन उपलब्ध है, परंतु जानकारी की कमी के चलते युवाओं को इसका ज्ञान ही नहीं है। इसलिए इस कार्य हेतु सिख गुरुद्वारा समिति जैसे हमारे समाजों को भी तथा कई सामाजिक संस्थाओं को भी इस कार्य के लिए आगे आना चाहिए। यह कार्य समाज के युवाओं को आगे ले जाने के लिए उत्तम सिद्ध होगा तथा युवाओं को नए रोजगार की जानकारी प्राप्त होगी, जिससे कि वे अपने भविष्य को सुगम बनाने में सक्षम होंगे। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।